प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है टू लॉन्च द ओपीडी ऑफ एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना एट श्रीनगर। एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना एक 350 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि लुधियाना शहर में है, पंजाब में, और हमारे पास दुनिया के हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट और न्यूरो सर्जरी और आईसीयू फैसिलिटीज़। हम हर तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमारे पास है जो, और अब हम ये चाहते हैं कि हम कश्मीर के लोगों की भी यहाँ पे आके कुछ सेवा करें। हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे और अपनी एक्सपर्टीज़ श्रीनगर के लोगों के लिए भी लेके आएंगे। एसपीएस हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और हम वहाँ पे एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए। हमारे सर्जन्स यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ के पेशेंट्स को यहीं पे देखेंगे और अगर उनको कोई सर्जरी की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पे जा सकते हैं और बाद में फॉलोअप भी यहाँ पे ही चलता रहेगा। सर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना में है, शेरपुर चौक। श्रीनगर में हमारे कोलेबरेशन एक किडनी हॉस्पिटल में है और एक इकबाल टावर्स में हमारा क्लिनिक। जैसे कि यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शायद नहीं चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हम तकरीबन 200 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट अपने हॉस्पिटल में ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा एक्सपर्टीज़ है एक उसमें, हम हर तरह का ट्रांसप्लांट वहाँ पर कर पाते हैं पेशेंट्स का, तो वही सेवाएं हैं जो हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। और लीवर की सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, जैसे कि लीवर रिसेक्शन हो गया, आपके लीवर का ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब बड़ी सर्जरीज हैं जो कि अभी यहाँ पे इतनी डेवलप नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ पे ये रूटीनली होती हैं। सर, अभी तो क्लिनिकल चेकअप्स ही होंगे और इवेंचुअली हम देखेंगे कि आगे दो इंशाल्लाह आगे हम सर्जरीज भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, अभी तो हमने श्रीनगर में ही शुरू कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम अंदर आगे और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाएं। देखिए, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हर हफ्ते आएंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को यहाँ पे लेके आएँ और पेशेंट ऑलमोस्ट हर 15 दिन में एक बार उन डॉक्टर साहिबान को मिल पाएंगे और अपना इलाज और जो भी फॉलोअप रहेगा वो करवा पाएंगे। पहले कहा कि किडनी हॉस्पिटल और इकबाल में हमारा ऑलरेडी वो हमारे साथ ही रहेंगे।